हाँ, ये मेरी बेहतरीन इजाद है। ये न्यूरोसाइंस की दुनिया में इनकलाब लाने का आगाज है। अब महज एक ही चीज बाकी है और वो है, अरे हाँ नहीं, तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? सलाम अलैकुम। कैसे हैं? उस्ताद ये क्या है? ये तो बढ़िया है। देखो तो इसे। ये क्या है? क्या ये वही तजुर्बा है जिस पर आप काम कर रहे हैं? पता नहीं। ये क्या करता है? नहीं पता। हम करके देखें, शायद कुछ पता चले। बेहतर। तो बर्गर हो जाए। सलीम, अगर इसे हम 9 तक बढ़ाएं और फिर इसे 5 तक लाएं। हाँ। अच्छा तो पिज्जा? और ऐसा करने से क्या होगा? शुवारमा कैसा रहेगा? ठीक है, चलो पता करते हैं ये वाला बटन आखिर करता क्या है। दोस्तों, मैं भूखा हूँ। तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, बर्गर, पिज्जा और ओबैद। ठीक तो हो? मुझसे बात कर रहे हो? मैं कौन हूँ? ओबैद कौन है? कौन है ओबैद? ओ, मदद करो, मेरी मदद करो। अरे ये क्या? तुम हिलना मत। हिलना मत? क्यों नहीं? आखिर मैं हूँ कहाँ? यहाँ कैसे आया? कहाँ से आया? या शुवारमा, क्या मिल सकता है? देखो, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, समझे तुम? ये एक मेमोरी ज़ैपर है। थोड़ी तफरी करते हैं। ए, बहुत जुल चुके। कान खोल कर सुन लो, अब ये पार्क मेरा है, तो तुम यहाँ से निकलो। अब आई इनकी अकल ठिकाने। मुकर्रर। तुम्हें क्या हो गया दोस्तों? तुम ऐसे नीचे क्यों पड़े हो? बताना जरा, बोलो भी। दोस्तों, वो देखो, वो चोर है म्यूजियम में। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। सालेम, जल्दी अपना फोन निकालो। देखो, प्लान याद रखना, जैसे ही पैकेज तुम्हारे हाथ में आए, तुम दोनों लोग खिड़की पे आ जाना, फिर खुफिया अल्फाज कहना, फिर मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। जो हुक्म आपका। तुम्हें खुफिया अल्फाज याद तो है ना? बोलो। वो है, मैं कौन हूँ? आप तो बॉस हैं, हमारे बॉस। हाँ, वो तो मुझे पता है, मैं खुफिया अल्फाज बता रहा हूँ। मैं कौन हूँ? ये खुफिया अल्फाज है। ओ, अच्छा। और अब कोई गड़बड़ हो जाती है तो उस वक्त तुम्हें क्या खुफिया अल्फाज कहने हैं? मैंने आपको कभी नहीं देखा। बढ़िया, तो ठीक है, काम शुरू करो। वो कुछ ही लम्हों में पहुंच जाएंगे। बढ़िया, यहाँ का काम मुकम्मल हुआ, बस हमें यहाँ पर खड़े होकर इंतजार करना है। क्यों, मैंने सही कहा ना? है ना? मंसूर, पता है, मैं शर्त या कह सकता हूँ कि वो यहाँ जरूर किसी फिराक में है। हमें पैकेज मिल गया, सुना? हमें पैकेज मिल गया। जीने के नीचे वाली खिड़की पे जाओ और फिर खुफिया अल्फाज कहो, मैं तुम्हें बाहर मिलूंगा। जैसा आप कहें बॉस। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ?
वो खुफिया अल्फाज हैं। मैं वहाँ पहुँचने वाला हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है कौन? तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? पर मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। लड़कों, सब ठीक तो है? और मैं कौन हूँ? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आप वहीं रुक जाइए बॉस। मेरा मतलब मैंने आपको कभी नहीं देखा। हद है। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम यहाँ अब तक क्यों खड़े हो? चलो चले यहाँ से, हमें जल्दी यहाँ से निकलना है। अरे नहीं मंसूर, मंसूर जयपुर मुझे दो। तुम कौन हो? मैं तुम्हें अपना ये अरे ये क्या है? वो सब देख रहे हैं, उन्हें पकड़ो। मंसूर, उन्होंने देख लिया। कौन है मंसूर? तुम नहीं हो, बस वो जयपुर मुझे दो। मैं नहीं हूँ तो तुम्हें कैसे यकीन है तुम हो? तुम कौन हो? अब मैं समझ गया। तुम कौन हो? तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो? पकड़ो उन्हें। किसे पकड़ू? वो चश्मदीद। वही तो मैंने कहा, जाओ पकड़ो पकड़ो उन्हें। बेहतरीन, क्या कमाल की इजाद है। अब मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। बस मुझे तुम लोगों से अब पीछा छुड़ाना बाकी है। मंसूर, भागना बंद करो बच्चों, भागना बंद करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं कहाँ हूँ? म्यूजियम में। ओहो बदमाश बच्चे, यहाँ से जल्दी बाहर निकलते हैं। अब तुम दोनों नहीं बचोगे। मैं कहाँ हूँ? मुझसे कुछ कहा क्या? पता था, मुझे पता था तुम हो, इसके पीछे तुम ही थे और अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। तो तुम हो मजे डायमंड गैंग के बॉस, आखिर तुम पकड़े ही गए। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि अपनी दवा का जायका कैसा होता है। सच में ये बड़ी अजीब हरकतें करवा देता है। तुम जानते हो आम दिनों के अलावा आज अजनबी सा बर्ताव कौन कर रहा था? पता है, मुझे ज्यादा नहीं पता, मगर ये बात पक्की है, तुम बेहद हसीन शख्स हो मिस्टर अली। मैं पूरा दिन तुम्हारा अक्स देख सकता हूँ।
उबैद, बतखों को मारना बंद करो। हमें कल होने वाले फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए रियाज करना जरूरी है। लेकिन मुझे लेवल 5 हर हाल में मुकम्मल करना है। उबैद, पकड़ो। माफ करना। शुक्रिया, माफ करना। काश मैं फुटबॉल भी उतनी अच्छी खेल पाता जितनी अच्छी बतख मारता हूँ। मैं समझ गया, तुमने मुझे एक नई इजाद का बेहतरीन आइडिया दे दिया। सच कहूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी तुम जीतने वाले तो हो नहीं। हाँ, देखते हैं। हेड्स या टेल्स? हेड्स। नहीं टेल्स, नहीं हेड्स, हेड्स, हेड्स। टेल्स। तुम्हारी टीम पहले किक मारेगी। तुर्की, मेरी जानिब। उबैद। तुमने अच्छी कोशिश की उबैद। तुम सबसे बेहतरीन किकर हो। लेकिन सर, बस खेलते रहो। हमें गोल करना है। मुझे नजर नहीं आई। मुझसे गलती हो गई। ओके, गोल किक। ये गैर मुनासिब है, वो बेईमानी कर रहे हैं। आधा वक्त मुकम्मल हुआ। वो किस कदर बेईमानी कर रहे हैं। यकीनन, और देखो तो कितनी बेशर्मी से कर रहे हैं। मुझे तो बहुत प्यास लगी है। सुनो दोस्तों, हम अच्छा खेल रहे हैं, हम अभी भी ये मैच जीत सकते हैं। अभी ये खेल खत्म नहीं हुआ है, चलो ऐसे खेलें जैसे पहले कभी ना खेला हो। हाँ, कर दिखाएं।
दूसरा हिस्सा शुरू। भला इससे बुरा और क्या होगा? ये कैसे हो सकता है? अब हम क्या करेंगे? पता है, समझ गया। देखो, हमें ये गेम हारना नहीं है। उनके पास दूसरा खिलाड़ी नहीं है। हम उसकी जगह दूसरा खिलाड़ी लेंगे। मुतबादल। रुको, कौन? ये है दूसरा खिलाड़ी, एक टिन का डिब्बा। अबैक, इन्हें पहन लो, इनके जरिए रोबोट चलाना। ओबैद, जरा हाथ हिलाओ। ऐसा बचपना तो मैंने कभी नहीं देखा। ओके, चलो खेलो। ओबैद, खेल खत्म होने में कुछ ही वक्त बाकी है। ओबैद, इन सबको रबर की बत्तखें तसव्वुर करो। ओके, मैं तैयार हूँ, अब दिखाता हूँ। अच्छा खेल रहे हो। मुझे कोई एतराज नहीं। चलो, हम जीतेंगे, हम कर सकते हैं। जीत ले दोस्तों, हम जीत जाएंगे।
हूँ, मैं ठीक हूँ। हम रेस को शुरू से नहीं कर पाएंगे। वैसे भी इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारे जीतने के बिल्कुल भी आसार नहीं है। लगता है तुम्हें खुद पर कुछ ज्यादा ही यकीन है। तुम भी कर सकते हो, मुझे तो यकीन है। अगर सबने ईमानदारी बरती तो यकीन करो रेस बेहतरीन होने वाली है। हाँ बिल्कुल होगी। गुड लक मंसूर। उसे वाकई दुआओं की जरूरत है। हाँ? ऐसे बैठे मत रहो, तुम भी कुछ करो। हाँ क्यों नहीं। जमील जमाल इस जानिब घुमाओ, थोड़ा ढीला करो वरना पहिया निकल जाएगा। उसे वापस लगाओ। पर मैंने तो सोचा कि हमें थोड़ा जल्दी करो। हाँ ठीक है। पर तुमने तो स्क्रूज अच्छे से टाइट किए ही नहीं, क्योंकि असली प्लान यही करने का था। मैं समझा नहीं। याद रहे ये एक टीम रेस है, हम सबको हर हाल में 5 परचम हासिल करने की कोशिश करनी होगी, वरना हम रेस से बाहर हो जाएंगे। समझा, हो गया। परचम मुझ पर। ओबेद तुम चलाओ, परचम मैं लूंगा। चलो 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 चलो। नहीं आ रहा है, मैं कहने वाला था कि दाया मोड़ आ रहा है, कहने क्यों नहीं दिया। रुको, ये हमारा परचम है। पहला परचम हासिल। तकरीबन वहाँ। उस जानिब। अभी हासिल, हम जल्दी कर लेंगे। हमें और परचम हासिल करने हैं। Ooh!
नहीं है। मिल गया। ब्रेक्स। देखो मिल गया। लगता है कि मैं ड्राइविंग को अब समझने लगा हूँ। आखिरी झंडा हमें लेना है। मिलते हैं दोस्त। बुरा हुआ, फिनिश लाइन पर मिलते हैं, है ना लूजर्स। हम देख लेंगे। जैक लाओ। जैक रेडी। पाना। ये पाना। बोल्ड। बोल्ड। सफाई। सफाई। चलो चलो जल्दी करो भाई। सफाई। सब हो गया। जाओ जाओ मंसूर, जल्दी जाओ। शुक्रिया। जल्दी, वो जीतने का आखिरी मौका है। हम ये तुम्हारे बगैर हरगिज नहीं कर पाते दोस्तों।
दीवानों का खैर मकदम है जुजुत्सु के इस बेहद अहम खेल में जो आज आप सबके सामने पेश किया जाएगा। आज का शुरुआती मैच पेश किया जा रहा है येलो बेल्ट कैटेगरी में, तो जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें आपके चहेते और खासम खास हम सबके प्यारे सालिम। लगता है रेफरी सालिम के मूव के मुतालिक बहुत फिक्रमंद है। मंसूर, क्या तुम घर बैठकर देखने वालों को यहाँ का आंखों देखा हाल बताओगे? लगता है सलीम अपने खुद के लिए फिक्रमंद है। सही कहा मंसूर, वो हमेशा रहता है, सालिम कितना अजीब है। चलो सलीम आ जाओ। तो हसरत कुछ ही लम्हों में शुरू होने जा रहा है, तो तैयार हो जाइए। तुम्हारे दाएं, तुम्हारी बाएं तरफ, दाएं तरफ, दाएं, दरमियान, पीछे। उबैद, जमाल, आ जाओ, अब तुम दोनों की बारी है। हे। डरो मत। तुम ठीक हो? अरे तुम लोग क्या कर रहे हो?
मैं मंसूर को किसी भी हाल में जीतने नहीं दूंगा। जीत मेरी होगी, वो अफसोस करेगा। हाँ जरूर, पर तुमने तो पिछले साल भी यही कहा था ना, याद है ना? हाँ याद नहीं जब मंसूर ने तुम्हारी कलाई लॉक कर दी थी और तुम्हें दर्द हो रहा था? ये वाला मुझे याद है, तुम्हारी बहुत बुरी हालत हुई थी। याद है जब तुम फिसल कर गिर गए थे? आज तुम्हारी खैर नहीं मंसूर। देख लेना, इस साल ये मुकाबला मैं ही जीतूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस साल कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। कैसे? इससे। तुम लोग इसे बांधने में मेरी मदद करो। इसमें भी। अब मैं तैयार हूँ मंसूर को सबक सिखाने के लिए, और लूंगा ग्रीन बेल्ट।
जिम, देखना अब हारोगे तुम। जैसे मैं पिछली दफा हारा था। इस दफा रहम नहीं, ये लो। हाँ दोस्तों, देखो मेरी नई इजाद। क्या ये तुमने लेजर गन बनाई है? वैद, लेजर गन नहीं, ये मेरी ताजा इजाद है। ये सुनने की ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। हमारे कानों में क्या नुक्स है? नुक्स नहीं है, ये इसे और भी बेहतर बना देगी। देखो तुमने होमवर्क कर लिया? हाँ, आसान था। मैंने सुना है मॉल में नया बुटीक खुलने जा रहा है। लोगों की खुफिया गिरी करना मुनासिब नहीं है, हम इसे और कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं मुलाकात की जगह पर पहुँच रहा हूँ, क्या तुम्हें यकीन है तुम्हारा पीछा नहीं हुआ? रुको जरा, और बैद फिर उसी की जानिब करो। तो वो शख्स, तुम मुलाकात की जगह पहुँचो, पीछा नहीं हुआ और काम? काम हो गया है, सुना काम हो गया है। माजरा क्या है? कहीं ये जासूस तो नहीं? 30 सेकंड में मैं कैफे पहुंच जाऊंगा। चलो उसका पीछा करें। ओह, जासूस का पीछा? क्या ऐसा करना मुनासिब होगा? भला ये हमें कैसे पता होगा कि वो जासूस है भी या नहीं? हाँ, शायद वो कॉफी पीने आया होगा। कमाल है, वो तो कहीं गायब हो गया। फिर तो हरगिज़ वो जासूस है। आओ चले। ठीक है, वो जासूस तो अभी निकल गया, तो चलो चलकर आइसक्रीम खाते हैं। हम उसकी तलाश करेंगे इसकी मदद से। आज रात को जाएंगे, सब तय है। वो जाल ले लिए ना? ये वही है, ये वही है। वो वहाँ उस दरख्त के पीछे है, थोड़ा नजदीक चलें। आज रात बगदाद का सितारा हमारा होगा। हम अमीर हो जाएंगे सईद। एहतियात बरतेंगे तो, गलत कदम मतलब कैद। हमें कब चलना है? 30 सेकंड में निकलेंगे, बंद होने से पहले हम वहाँ जाकर छुप जाएंगे, और फिर जब कोई नहीं होगा काम शुरू करेंगे। बगदाद का सितारा कौन है? बगदाद का सितारा, बगदाद का सितारा है। सुनो, बगदाद का सितारा दुनिया का सबसे नायाब हीरा है, और पता है ये हीरा बेशकीमती भी है। यानी वो कोई जासूस नहीं, वो दोनों चोर हैं। हमें उन्हें रोकना होगा। पर हमें नहीं पता वो कहाँ जा रहे हैं। आसान है, अलग अलग पीछा करो। बगदाद का सितारा म्यूजियम में है। अगर हम उन चोरों को नहीं रोक पाए तो हीरा म्यूजियम से गया समझो। चलो डायरेक्टर को बताते हैं। चलो। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ये बगदाद के सितारे के मुतालिक है, कुछ शातिर चोर इसे चुराने की साजिश कर रहे हैं सर। हीरे की चोरी? सच में? हाँ, नामुमकिन। नहीं, ये सच है। पहले तो हमें ये लगा कि वो जासूस है, फिर हमें पता चला कि वो दोनों जासूस नहीं, चोर हैं। वो है कौन? हमारे मुताबिक वो दो लोग हैं, हमने उनकी बातें सुनी और वो आज रात को चोरी करने वाले हैं। ये महज तुम्हारा तसव्वुर है। बगदाद का सितारा इस म्यूजियम से चुराना नामुमकिन है बच्चों, हमने हिफाजत के बेहतरीन इंतजाम कर रखे हैं। नहीं पता वो इसे कैसे अंजाम देंगे। आप यकीन करिए, वो दोनों यहाँ आते ही होंगे। हमने पूरा दिन उनका पीछा किया। तो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हम कैसे उसकी हिफाजत करते हैं। नजर भर के देखो, बगदाद का सितारा। बेमिसाल, सबसे बड़ा हीरा। कहते हैं कि ये वक्त से भी पुराना है, आज तक कोई भी इसकी ताब नहीं ला सका। वाह, ये कितना बड़ा है। तो अब तुम लोग कोशिश करके देख लो। हाँ, तो चलो कोशिश करो उठाने की। चाल रहने दो, किस्मत से मेरे पास चाबी है बाहर जाने की, यही एक रास्ता है।
सुनो, ये क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं अजीज, मैं इन बच्चों को मेरे साथ यहाँ की हिफाजत के इंतजाम दिखा रहा था। ठीक है। मुझे लेजर पसंद है। लेजर बेहतर है, एक पतंगा भी नहीं गुजर सकता। तो देखा तुम लोगों ने, वो हीरा कितनी कड़ी हिफाजत में है। बस यही एक चाबी है। वक्त हो गया बच्चों, हमें यहाँ से जाना चाहिए। मेरी बीवी है, मैं चलता हूँ, तुम लोग खुद रास्ता तलाश कर लेना। और हीरे की फिक्र मत करो, उसे कुछ नहीं होगा, घबराओ मत। ओह, मैं गलती से मेरी नई इजाद डायरेक्टर के ऑफिस में भूल गया। सुनो, अब हम सबके जाने तक का इंतजार करेंगे, फिर हम अपना काम शुरू करेंगे। वो चोर यहाँ पहुँच गए। डायरेक्टर को खबर करनी होगी। कोई फायदा नहीं, हम बंद हो गए हैं। अरे वाह, दो चोरों के साथ म्यूजियम में बंद हो गए हैं, तो अब इससे बुरा और क्या होगा? अब हम क्या करेंगे? पुलिस को बुलाते हैं, मेरी बैटरी बेदम है। और मेरी भी। खैर, मेरा फोन तो मुकम्मल चार्ज है, पर घर पर है। वो आ रहे हैं, जल्दी ऊपर। वो रहा हीरा। उन्हें वो हीरा मिल गया, हमें उन्हें भागने से पहले रोकना होगा। अब हम क्या करें? मैं समझ गया। रुको, मेरे पास बेहतर तरकीब है। मेरे पास एक इससे बेहतर आइडिया है, ये देखो। हे हे। मंसूर, क्या कर रहे हो? तुम्हारा शुक्रिया बच्चों, तुम लोगों ने इसे चोरी होने से बचा लिया। तुम तीनों जब चाहो यहाँ आ सकते हो, बिल्कुल मुफ्त बेशक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और तुम्हें संजीदगी से ना लेने के लिए माजरत चाहता हूँ। मैं आपके लिए भी ये बना कर दूंगा सर। मंसूर!
ये मेरी बेहतरीन इजाद है। ये न्यूरोसाइंस की दुनिया में इनकलाब लाने का आगाज है। अब महज एक ही चीज बाकी है और वो है, अरे हाँ नहीं, तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? सलाम अलैकुम। कैसे हैं? उस्ताद ये क्या है? ये तो बढ़िया है। देखो तो इसे। ये क्या है? क्या ये वही तजुर्बा है जिस पर आप काम कर रहे हैं? पता नहीं। ये क्या करता है? नहीं पता। हम करके देखें, शायद कुछ पता चले। बेहतर। तो बर्गर हो जाए। सलेम, अगर इसे हम 9 तक बढ़ाएं और फिर इसे 5 तक लाएं। हाँ। अच्छा तो पिज्जा? और ऐसा करने से क्या होगा? शुआरमा कैसा रहेगा? ठीक है, चलो पता करते हैं ये वाला बटन आखिर करता क्या है। दोस्तों, मैं भूखा हूँ। तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, बर्गर, पिज्जा और ओबैद। ठीक तो हो? मुझसे बात कर रहे हो? मैं कौन हूँ? ओबैद कौन है? कौन है ओबैद? ओ, मदद करो, मेरी मदद करो। अरे ये क्या? तुम हिलना मत। हिलना मत? क्यों नहीं? आखिर मैं हूँ कहाँ? यहाँ कैसे आया? कहाँ से आया? या शुआरमा क्या मिल सकता है? देखो मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, समझे तुम? ये एक मेमोरी ज़ैपर है। थोड़ी तफरी करते हैं। ए, बहुत जुल चुके। कान खोल कर सुन लो, अब ये पार्क मेरा है तो तुम यहाँ से निकलो। अब आई इनकी अकल ठिकाने। मुकर्रर। तुम्हें क्या हो गया दोस्तों? तुम ऐसे नीचे क्यों पड़े हो? बताना जरा, बोलो भी। दोस्तों वो देखो, वो चोर है म्यूजियम में। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। सालेम जल्दी अपना फोन निकालो। देखो प्लान याद रखना, जैसे ही पैकेज तुम्हारे हाथ में आए तुम दोनों लोग खिड़की पे आ जाना, फिर खुफिया अल्फाज कहना, फिर मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। जो हुक्म आपका। तुम्हें खुफिया अल्फाज याद तो है ना? बोलो। वो है, मैं कौन हूँ? आप तो बॉस है, हमारे बॉस। हाँ वो तो मुझे पता है, मैं खुफिया अल्फाज बता रहा हूँ। मैं कौन हूँ? ये खुफिया अल्फाज है। ओ, अच्छा। और अब कोई गड़बड़ हो जाती है तो उस वक्त तुम्हें क्या खुफिया अल्फाज कहने हैं? मैंने आपको कभी नहीं देखा। बढ़िया, तो ठीक है काम शुरू करो। वो कुछ ही लम्हों में पहुंच जाएंगे। बढ़िया, यहाँ का काम मुकम्मल हुआ। बस हमें यहाँ पर खड़े होकर इंतजार करना है। क्यों, मैंने सही कहा ना? है ना? मंसूर, पता है मैं शर्तिया कह सकता हूँ कि वो यहाँ जरूर किसी फिराक में है। हमें पैकेज मिल गया। सुना, हमें पैकेज मिल गया। जीने के नीचे वाली खिड़की पे जाओ और फिर खुफिया अल्फाज कहो, मैं तुम्हें बाहर मिलूंगा। जैसा आप कहें बॉस। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ?
वो खुफिया अल्फाज हैं। मैं वहाँ पहुँचने वाला हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है कौन? तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? पर मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। लड़कों, सब ठीक तो है? और मैं कौन हूँ? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आप वहीं रुक जाइए बॉस। मेरा मतलब मैंने आपको कभी नहीं देखा। हद है। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम यहाँ अब तक क्यों खड़े हो? चलो चले यहाँ से, हमें जल्दी यहाँ से निकलना है। अरे नहीं मंसूर, मंसूर जयपर मुझे दो। तुम कौन हो? मैं तुम्हें अपना ये अरे ये क्या है? वो सब देख रहे हैं, उन्हें पकड़ो। मंसूर, उन्होंने देख लिया। कौन है मंसूर? तुम नहीं हो, बस वो जयपर मुझे दो। मैं नहीं हूँ तो तुम्हें कैसे यकीन है तुम हो? तुम कौन हो? अब मैं समझ गया। तुम कौन हो? तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो? पकड़ो उन्हें। किसे पकड़ू? वो चश्मदीद। वही तो मैंने कहा, जाओ पकड़ो पकड़ो उन्हें। बेहतरीन, क्या कमाल की इजाद है। अब मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। बस मुझे तुम लोगों से अब पीछा छुड़ाना बाकी है। भागना बंद करो बच्चों, भागना बंद करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं कहाँ हूँ? म्यूजियम में। ओहो बदमाश बच्चे, यहाँ से जल्दी बाहर निकलते हैं। अब तुम दोनों नहीं बचोगे। मैं कहाँ हूँ? मुझसे कुछ कहा क्या? पता था, मुझे पता था तुम हो, इसके पीछे तुम ही थे और अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। तो तुम हो मजे डायमंड गैंग के बॉस, आखिर तुम पकड़े ही गए। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि अपनी दवा का जायका कैसा होता है। सच में ये बड़ी अजीब हरकतें करवा देता है। तुम जानते हो आम दिनों के अलावा आज अजनबी सा बर्ताव कौन कर रहा था? पता है, मुझे ज्यादा नहीं पता, मगर ये बात पक्की है, तुम बेहद हसीन शख्स हो मिस्टर अली। मैं पूरा दिन तुम्हारा अक्स देख सकता हूँ।